हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील तलरेजा फ्रॉम तलरेजा इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का हमारा रूल है बाउंड, बाउंड टू। क्या है ये, कैसे इसको यूज़ करना है, क्या सिचुएशन है, इसको समझते हैं। बाउंड का मतलब क्या होता है, जैसे बाउंडेशन होगी, बंद गए, मतलब जैसा मतलब उसका होना तय है, अटल है, मतलब जिसको उसको टाला नहीं जा सकता है, वो तो होना ही है। तो कोई काम होना तय है, किसी काम का होना पक्का है, तय है ना, या होना ही है, ऐसे सेंटेंस आएंगे, उसमें आपको यूज़ करना है बाउंड टू। जैसे उसका जाना पक्का है, जाएगा ही वो, है ना, उसका जाना तय है। हिंदी में अपन दो तीन तरह से ऐसे सेंटेंस बोलते हैं कि काम होना ही है, पक्का है या तय है ना। तो उसका जाना तय है मतलब उसका जाना पक्का है, जाएगा ही वो, तो टाल नहीं सकते उस स्थिति को। तो ये प्रेजेंट में आएगा तो इज़ आर एम बाउंड टू से बनाना फ्रेंड्स, और पास्ट में आएगा तो उसको वाज वर बाउंड टू का यूज़ करके बनाना है, और दोनों में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ में आती है। तो उसका जाना तय है, उसका जाना पक्का है, तो ही इज़ बाउंड टू गो। उसका आना तय है, उसको तो आना ही है ना, तो ही इज़ बाउंड टू कम। अगर तुम अच्छा खेलो तो तुम्हारा जीतना पक्का है, इफ़ यू प्ले वेल यू आर बाउंड टू विन। अगर तुम मेहनत करो तुम्हारा सफल होना तय है, कोई टाल नहीं सकता है। तो इफ़ यू मेहनत करो, वर्क हार्ड या डू हार्ड वर्क, तो यू आर बाउंड टू सक्सीड या यू आर बाउंड टू गेट सक्सेस। उसका मरना तय है, ही इज़ बाउंड टू डाई। अगर वह सावधानी नहीं रखेगा तो उसका गिरना तय है, पक्का है। अगर वह सावधानी नहीं रखेगा, इफ़ ही डजेंट टेक केयर, इफ़ ही डजेंट टेक प्रीकॉशन के दो, उसका गिरना तय है, वो गिर ही जाएगा, तो ही इज़ बाउंड टू फॉल। ऐसा तो होना ही है, ऐसा होना पक्का है, इट इज़ बाउंड टू हैपन। ऐसा होना पक्का था, पास्ट में ले लेते हैं तो क्या बोलेंगे, इट वॉज बाउंड टू हैपन। उनका जीतना तय था, दे वर बाउंड टू विन। उनका हारना तय था तो क्या बोलेंगे, देवर वॉज वर से देवर बाउंड टू लूज। उसे नौकरी मिलना तय है, मतलब उसको नौकरी मिलेगी ही, तो ही इज़ बाउंड टू गेट अ जॉब। जॉब है ना, तुम्हें आना ही है, तुम्हारा आना तय है, तुमको आना ही पड़ेगा उस सेंस में भी, तो यू आर बाउंड टू कम। उसका फेल होना तय है, तो ही इज़ बाउंड टू फेल के दो, या फिर बी फेल्ड, है ना। प्यार तो होना ही था, कभी सेंटेंसेस आ जाए, प्यार तो होना ही था, तो वी वर बाउंड टू, है ना। सब्जेक्ट एज्यूम करना पड़ेगा कि किसका प्यार होना तय था, तो सॉन्ग के हिसाब से हमारा ही ले लो, है ना। तो वी वर बाउंड टू फॉल इन लव, तुम्हें सफल होना ही था, यू वर बाउंड टू सक्सीड। ठीक है, तो फ्रेंड्स समझ में आ गया। अब होमवर्क में दो सेंटेंस लिखें, ये आपका होमवर्क रहेगा, है ना। लिखो, उसका यह काम करना पक्का है, मतलब वो ये काम करेगा। पहला लिखो, उसका यह काम करना तय है। दूसरा सेंटेंस लिखो, उसे नौकरी मिलनी ही थी, या उसको नौकरी मिलना पक्का था। सो फ्रेंड्स, ये आपका होमवर्क, कमेंट बॉक्स में आंसर आप टाइप करें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।